जब उसके पिता से कल रात को मैं मिला और पिता को एक ही वादा किया मैंने, आपकी बच्ची के साथ जो गलत हुआ उसमें हमें उसे रोकने में हम असमर्थ थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज़। मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर के नरेना में एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। जी हाँ, वहाँ पर आज कई सामाजिक संगठन धरने पर बैठे हैं और भीमसेना के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 24 घंटे के अंदर जल्द आरोपी को गिरफ्तार करें। जी हाँ, सुन सकते हैं रवि कुमार मेघवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष भीमसेना राजस्थान। पूरे राजस्थान के अंदर तमाम जो घटनाएं घटित होती है इस बहुजन वर्ग के साथ में, उन पीड़ित वर्ग की आवाज उठाते हैं, धरने प्रदर्शन भी करते हैं, प्रशासन से भी भिड़ते हैं, मुकदमे भी खाते हैं, जेल भी जाते हैं। आज ये जो बच्ची की बात है, 4.5 साल का बेटा मेरा है, 4.5 साल का बेटा है मेरा, तो उस बच्चे के साथ में जो गुजरी है क्या मेरे दिल पे नहीं बीती उस चीज के लिए? जब उसके पिता से कल रात को मैं मिला और पिता को एक ही वादा किया मैंने, आपकी बच्ची के साथ जो गलत हुआ उसमें हमें उसे रोकने में हम असमर्थ थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपनी एकता को दिखा करके प्रशासन से हमसे न्याय संगत हमारी मांग है। आपने कहा प्रशासन ने जो आश्वासन दिया 24 घंटे का, 24 घंटे के भीतर प्रशासन अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रशासन से हमारी कोई शिकायत नहीं है, प्रशासन अपनी कार्यवाही करे, हम पूरा सम्मान करेंगे, पूरा साथ देंगे, पूरे लॉ एंड ऑर्डर का हम पूरा साथ देंगे। जो कि अभी एक सूचना मिली कि शाहपुरा से जो पुलिस की जो टीम आई थी उनका एक्सीडेंट हुआ, बहुत एक जो घटना है बहुत चुभी वो भी, तो हम तो उसके लिए भी दुआ करते हैं कि हमारे पुलिस अधिकारियों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ में घटना घटी और हम लोग कोई दूसरे नहीं है, उसी बच्चे को न्याय दिलाने के लिए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। हम कोई दूसरे कोई नए आदमी नहीं है, पूरे राजस्थान में किसी से पूछ लो, पुलिस महकमे में किसी से पूछ लो, रात दिन समाज की लड़ाई लड़ते हैं, इसी बहुजन वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं। किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता तो उसकी लड़ाई लड़ते हैं, इसमें बाहर की ये क्षेत्रवाद की बात कहां से आ गई मुझे बताइए। हमारी कल की जो मांग थी कल पूरी रात हम यहाँ पड़े, पुलिस में भी हमें इस चीज का बिल्कुल उनका सहयोग है, बराबर उनकी टीमें भी गठित है, पुलिस पूरा हमारा सहयोग कर रही है, हम इस चीज पर गर्व करते हैं और हम ये कहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ें। मोर्चरी में बॉडी रखी है, अपराधी आप पकड़िए, 24 घंटे का आपने समय लिया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अपराधी गिरफ्तार कीजिए, हम धरना खाली कर देंगे, यही बात है। इसमें बताइए किंतु परंतु वाली बात क्या है? अब आप ये कहें कि गांव की बात है तो हम तो बाहर के फिर हम चले जाएं, ये घटना अब किसी गांव की नहीं है, एक परिवार की नहीं है, पूरे राजस्थान का दिल रोया है इस घटना से, पूरा देश रोया है, बिल्कुल रोया, और राजस्थान से तमाम जिलों से लोग चल करके यहाँ आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? क्या वो लोग कोई राजनीति करने आ रहे हैं? उनका दिल रोया है उनका, क्या उस पिता के ऊपर क्या बीती होगी, उस बच्ची के ऊपर क्या बीती होगी, मासूम सी बच्ची को खिलौना है, उसके साथ इतना गंदा बढ़ता होगा, उसके साथ क्या बीता होगा वो दर्द। मैं कल चुरू था, चुरू के अंदर पिछले 6 दिनों से एक 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में रेप का मामला है, पिछली 17 तारीख की घटना है, 21 तारीख को मामला दर्ज हुआ था, आज तक अपराधी फरार है, आज तक फरार है। कल बाड़मेर के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ में, 14 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप हुआ है, कल जयपुर के अंदर सोडाला के अंदर एक बच्ची के साथ में गैंग रेप हुआ है, अभी तक अपराधी फरार है। इसलिए दर्द होता है कि आज हमारी बच्चियों के साथ में ये हो रहा है, इसलिए वो दर्द खींच के लाया हमें, हम कोई बाहर के या लोकल वो बात नहीं करने आए। आज समाज के साथ में जब कभी कोई पीड़ा उत्पन्न होती है तो बिना कुछ सोचे समझे हम लोग खड़े हो जाते हैं सहयोग के लिए, कहा इसमें बाहर वाली अंदर वाली बात आ गई। क्या गलत बात करी हम लोगों ने? किसी को भड़काने वाली कोई बात करी हो तो बताइए, तो क्या गलत है बताइए मुझे आप? हमारी सीधी बात है, आप अपराधी गिरफ्तार कर लीजिए, हम धरना खत्म कर देंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं लगातार ऐसी घटना बहुत ज्यादा रही। जी हम मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटना, आखिर कब तक सरकार ऐसे नया कानून बना पाएगी कि जो जघन्य अपराध हो रहे हैं उनके आरोपियों को एक ऐसी सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए, उनको ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो। जी हाँ, बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए मिशन के साथ में भूपेंद्र सिंह सोनवाल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।